हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पहले हमने बात की थी नोटिस के फॉर्मेट पर। मैंने नोटिस का फॉर्मेट भी आपको दिया और अंत में मैंने जो बात की उसका पहले जवाब दे देता हूँ। मैंने अंत में पूछा था आपसे कि खड़ी फसल पर ओले गिरे कौन सा कारक है, तो इसमें इतनी सोचने की कहाँ बात है। साफ साफ पता है खड़ी फसल पर ओले गिरे तो नुकसान हुआ है ना। तो कोई भी करण कर्म में ऐसा कोई कारक नहीं है, इसमें सीधी सीधी बात है हानिकारक है। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन है, टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट एन एनुअल फंक्शन। विद्यार्थियों को सूचित करना है किसके बारे में, एनुअल फंक्शन के बारे में। लिखना क्या है, नोटिस कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12, पिछला 5-10 दिन पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान दो। शुरुआत करो, पहले बोला है कि सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में का मतलब है कि ये प्रेषित कौन कौन सी विद्यालय से, कौन से हॉस्पिटल से, कौन से संस्था से हो रहा है। अपना एनुअल फंक्शन है तो सीधी सीधी बात है स्कूल का नाम ही लिखेंगे, आदर्श विद्या मंदिर होमा, कोई भी नाम लिख लो, मंडावरा। उसके बाद डेट लिखनी है, डेट आज की लगा दो। अच्छा, आप ये भी ध्यान देना है कि आप एनुअल फंक्शन की बात कर रहे हो, एनुअल फंक्शन हमेशा फरवरी मार्च के समथिंग होता है, तो आप फरवरी मार्च की डेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ले लो 27 फेब 2019। एक लाइन छोड़ते हुए बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द टॉपिक, क्या टॉपिक है तो ऐसे लिखना है आपको, एन एनुअल फंक्शन, एन एनुअल फंक्शन। यहाँ पे SUB सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शुरू करो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि ऑल द स्टूडेंट आर इनफॉर्म्ड दैट, के आगे नेम ऑफ द टॉपिक आएगा। टॉपिक क्या है, एन एनुअल फंक्शन। उसके बाद मनाया जाएगा तो विल बी सेलिब्रेटेड। उसके बाद आपको जाना है कब मनाया जाएगा, तो ऑन मंडे 3 मार्च 2020। हमने यहाँ 19 लिखा है जबकि आपको पता है अब फरवरी मार्च 2020 में आने वाली है, 2020 ही लिखना है, 2020। उसके बाद कहाँ पे, इन ओवर स्कूल कैंपस विद्यालय प्रांगण में मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। सबने आनी है, याद रखना, पुरस्कार देंगे आपको। उसके बाद ये होने के बाद लिखना आपको द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जो इसमें रुचि रखते हैं, हु वांट टू टेक पार्ट, हु वांट टू पार्टिसिपेट। इन दिस फंक्शन प्रोग्राम। आपको जो ठीक लगे एक्सप्लेन यूज आप कर सकते हो। प्रोग्राम मे गिव दियर नेम, मे गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अपने नाम दे दे। निम्न हस्ताक्षरकर्ता कौन होगा, यहाँ पे जिसके सिग्नेचर होंगे,
स्कूल के प्रिंसिपल आप लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी सिग्नेचर यहाँ करवा दें, या फिर मॉनिटर भी हो सकता है, मतलब अलग अलग हिसाब से हेडमास्टर तो हेडमास्टर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, इस प्रकार आपको नोटिस लिखना है। लास्ट में बचता है हमारा बाउंड्री सेशन। बाउंड्री बनाने में कोई समस्या नहीं है, अब पूछो बाउंड्री क्यों बनानी है, तो बाउंड्री के वास्ते बनानी है, बाउंड्री नहीं बढ़ाओ ने जो थाने जीरो नंबर भी उसी जी खेत के मायने बाढ़ गया बगैर काम चल रहा होने बस भाई बात तो इमें भी काम है चल रहा होने। बाउंड्री बनाना जरूरी है, बारहवें क्वेश्चन में बारहवें क्वेश्चन के चार भाग है, चारों में बाउंड्री बनाना इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री बनाना है, बिना बाउंड्री के आपको ब्यूटीफुल जीरो भी आ सकता है। ओके, और मैंने एक भी चैनल एक भी वीडियोस में आपको ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट नथिंग, आप खुद कर रहे हो, कमेंट्स आपके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इन पर ध्यान भी देना है, जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि 2020 बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में 99% चांस है नोटिस के। ओके, केवल बात पर विश्वास जरूर करनी है, पढ़नी भी है। थैंक्स, बाय।